व्हील्स AMG, यहाँ पे लिखा है, ब्लैक रिम्स हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और इस बटन को प्रेस भी करके रखें तो अगर रूफ आपका खुला है तो बंद हो जाएगा, बंद है तो खुल जाएगा। इसमें 0 से 100 पे ये गाड़ी जाती है 3.6 सेकेंड्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पीपल। ये है मर्सिडीज़ की SL सीरीज़, SL63 2023। SL इनिशियली 300 SL स्पोर्ट्स कार थी जो 1952 में बनाई गई थी। ये है 6th जनरेशन SL की और इसमें 2 वर्जन आए, SL55, SL63। ये है SL63। मैं हूँ कारकेड और आज हम इसको रिव्यू करेंगे। तो मर्सिडीज़ ने कहा है कि सारी की सारी SL सीरीज़ जो है वो ऑल व्हील ड्राइव होगी और सारी की सारी SL जो है वो AMG होगी। और 4 सीट्स के ऑप्शन, 2 सीटें पीछे भी हैं जो कि पहले वाले वर्जन में नहीं थी। इवन के इसमें सॉफ्ट टॉप भी दिया गया है। दोनों गाड़ियां सेम इंजन के साथ आएंगी बट डिफरेंट पावर्स होंगी। तो मैंने ये कार बोरो की है 5-स्टार कार रेंटल्स यहां पे दुबई में, न्यूली ओपन है विद अमेजिंग कार कलेक्शन। बहुत सारी स्पोर्ट्स गाड़ियाँ उनके पास, अगर आप कोई स्पोर्ट्स गाड़ी चलाना चाहते हैं जंप करें 5-स्टार में, मेरा नाम ले सकते हैं, आपको एक रीज़नेबल डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो प्राइस की बात कर लेते हैं, जो SL55 बेस वर्जन है $1,38,000 से शुरू होता है और ये SL63 जो है $179,000 से शुरू होता है। UAE में जो SL63 की प्राइस स्टार्ट होती है वो है 9 लाख दिरहम्स। इंजन की बात कर लेते हैं, दोनों वर्जन SL55 और SL63 में एक ही इंजन आया है, 4.0 लीटर V8 बाई टर्बो इंजन। SL55 का जो इंजन है वो 476 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, 700 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये वाला SL63 का इंजन 585 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 800 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क के साथ। 9-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इसमें 0 से 100 पे ये गाड़ी जाती है 3.6 सेकेंड्स में और अमेजिंग साउंड के साथ। तो इस गाड़ी का साउंड बहुत अच्छा है। ये स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ से आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे ऐसे, तो आपको ऐसे जो है वो नॉर्मल साउंड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये बटन है, आप इसको एग्जॉस्ट को स्पोर्ट्स मोड में भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको ये नॉर्मल लग रहा है, ये है नॉर्मल साउंड, और इसको मैं प्रेस करूँगा ऐसे, ऐसे इसको प्रेस करेंगे इस बटन को, ये साउंड ज़्यादा हो जाएगा। अभी ऐसे ही जैसे आप इस बटन को भी स्क्रॉल करेंगे अगर स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स प्लस मोड पे, तो ऑटोमेटिकली ये सेटिंग भी चेंज हो जाएगी। इस तरह आप अपना साउंड नॉर्मल या स्पोर्ट्स मोड पे कर सकते हैं, ये आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा अभी। उसके बाद दूसरी ये चीज़ है कि यहाँ पर स्पॉयलर आप ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग है, इधर ये देखें स्पॉयलर का निशान आ गया है, इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो स्पॉयलर ऊपर हो जाएगा, खुल जाएगा। और अगर आपको स्पॉयलर बंद करना है, नीचे करना है, तो ऐसे प्रेस करेंगे, स्पॉयलर बंद हो जाएगा या नीचे हो जाएगा। तो SL63 का फ्रंट लुक देखें आप, बहुत ज़बरदस्त। प्रीवियस वर्जन से टोटली न्यू शेप है, न्यू लाइट्स है, न्यू बम्पर, न्यू ग्रिल, और बहुत ही बड़ा यहाँ पर हुड है SL63 का। जैसे आप अनलॉक करते हैं ऐसे इसके इंडिकेटर चलते हैं, यहाँ पे लाइट्स हैं LED, यहाँ पे ये है AMG की ग्रिल, बड़ा सा मर्सिडीज़ का लोगो, कैमरा सेंसर्स हैं कुछ, नीचे एयर वेंट्स और ज़बरदस्त किस्म की फ्रंट लुक। तो साइड लुक पे आ जाते हैं, न्यू व्हील्स AMG, यहाँ पे लिखा है, ब्लैक रिम्स हैं। उसके बाद यहाँ पे है ये ब्रेक कैलिपर्स AMG के, येलो कलर बहुत अच्छा लग रहा है। V8 बाई टर्बो का लोगो यहाँ पे है, फॉर्मेटिक। यहाँ पे ये डोर है इसका, साइड मिरर्स, फोल्डिंग मिरर्स, कैमरास हैं इसके नीचे। ये हैं डोर हैंडल्स जो कि अनलॉक करेंगे तो ऐसे बाहर आ जाएंगे, आजकल बहुत कॉमन हैं जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें। फ्रेमलेस डोर्स है क्योंकि SL सीरीज इन्होंने कन्वर्ट करके अब स्पोर्ट्स कार बन गई है ये। और साइड में ये देखें, आपको सॉफ्ट टॉप भी नज़र आएगा, पीछे का भी लुक बहुत ही ज़बरदस्त। एक्चुअली जो प्रीवियस वर्जन था, मुझे उसका पीछे का लुक अच्छा नहीं लगता था, इसमें बहुत ज़बरदस्त स्लोपी कर दिया है उसको, तो अच्छी लगती है साइड से गाड़ी। सो द बैक लुक ऑफ द SL63, यू गॉट लोगो AMG, SL63 मर्सिडीज लोगो एंड अ वेरी राउंड शेप, बेटर देन द ओल्ड वर्जन। न्यू LED लाइट्स, मोस्ट ऑफ द मर्सिडीज द न्यू वर्जन दे गॉट द सिमिलर लाइट्स विद सम नाइस LEDs, एंड व्हेन द लाइट अप इट रियली लुक्स नाइस। So you got some sensors, you got quad exhaust down here with the black diffuser. तो यहाँ पे पीछे आपके पास ये इसका जो ट्रंक है, इसके आप 2 दफ़ा ये बटन प्रेस करें, रिमोट पे है तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। और यहाँ पे आपके पास प्लेंटी ऑफ गुड कार्गो स्पेस है, स्पोर्ट्स कार में छोटी होती है स्पेस,
लेकिन इसमें है कुछ अच्छी स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा होगा, ये बहुत सारी गाड़ियों में कॉमन है कि आप इसको प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा, लॉक भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बटन है जो कि ये प्लास्टिक का जो पीस है, ये जो सॉफ्ट टॉप है इसका, ये जब बंद होता है तो नीचे इसका ये सपोर्ट करता है, ये इसके लिए है। तो ये आप प्रेस करें, अगर आपके पास कुछ छोटी बड़ी चीज़, थोड़ी सी बड़ी चीज़ है तो ये प्लास्टिक का पीस भी थोड़ा सा अंदर फोल्ड हो जाएगा, थोड़ी ऊँची हो जाएगी जगह, तो आप अपना कार्गो फिट कर सकते हैं। इस तरह आप इसको खोल और बंद कर सकते हैं। यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे तो ये फिर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो इंटीरियर में आ गए हैं हम मर्सिडीज AMG SL 63 में। यहाँ पे नया इंटीरियर, नया डैशबोर्ड, नई स्क्रीन्स, नए स्टेयरिंग व्हील और अमेजिंग सीट्स। क्वालिटी तो मर्सिडीज़ में बहुत ज़बरदस्त होती है हमेशा। ये देखें एयर वेंट्स जो हैं इसके ज़बरदस्त किस्म के। यहाँ पे है स्टार्ट स्टॉप बटन, जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स आपके पास आ जाते हैं। ये 12.3 इंचेस का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है और 11.9 इंचेस की यहाँ पे आपके पास इंफोटेनमेंट स्क्रीन है। तो जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे टच बटन से स्टेयरिंग व्हील पे और कुछ स्क्रीन्स भी हैं। यहाँ पे होम का बटन है, जैसे ही प्रेस करेंगे लेआउट्स आ जाएंगे कुछ आपके पास, ट्रैक पेस, जैसे ही ट्रैक पेस पे जाएंगे कुछ इस तरह का आ जाएगा और एक जैसे कि कुछ शोले निकलते हैं, RPM वैसे जा रहा है, जी फोर्स भी आपको नज़र आएगी। फिर आपके पास सुपर स्पोर्ट, उसके बाद आपके पास है स्पोर्ट, स्पोर्ट में बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं। उसके बाद आपके पास है क्लासिक, ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के लेआउट है। अंडरस्टेटेड अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, नेविगेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, असिस्टेंस में गाड़ी आपको असिस्ट करेगी, लेन चेंज, ब्लाइंड स्पॉट, ETC, सर्विस में भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको कैसा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर चाहिए, किस तरह की डिटेल्स चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप नीचे आते हैं, नीचे आपके पास यहाँ पर कुछ स्क्रीन्स हैं जिससे आप डिफरेंट सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्क्रीन है जिसमें बटन है, जिसमें दो स्क्रीन है, स्प्लिट स्क्रीन एक्चुअली। ये है एग्जॉस्ट सेटिंग्स, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, AMG डायनामिक्स, इसको आप क्लिक करेंगे और साइड में एक छोटे से बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। जैसे कि अभी फ़र्ज़ करें मैं एग्जॉस्ट अगर चेंज करना चाह रहा हूँ, एग्जॉस्ट का साउंड अभी नॉर्मल आ रही होगी आपको, तो मैं प्रेस करूँगा तो ये स्पोर्टियन में चली जाएगी और इवन के मुझे इंफोटेनमेंट स्क्रीन में भी दिखाएगी। तो इस आप प्रेस करके, ये साइड का बटन है, इससे आप वो चीज़ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। राइट साइड में क्लिक करेंगे तो स्पोर्ट्स मोड आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन में शो करेगी। इसको आप रोटेट करें, कंफर्ट है, फिर स्पोर्ट है, फिर स्पोर्ट प्लस है और फिर रेस है। तो जैसे जैसे मोड चेंज होंगे, सेटिंग्स चेंज होंगी, एग्जॉस्ट का साउंड भी आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे आ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी, मैंने इन मर्सिडीज़ की इंफोटेनमेंट स्क्रीन तकरीबन नई, तकरीबन सेम है सारी। सेटिंग में जाएँ आप तो आपके पास असिस्टेंस, व्हीकल, लाइट्स, इन चीज़ों की सेटिंग्स हैं आपके पास। फिर उसके बाद साइड में कंफर्ट है जिसमें सीट मसाज, सीट्स के ऑप्शन, एम्बिएंट लाइट के ऑप्शन और बाकी चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पास फ़ोन, रेडियो, ये वो सारा कुछ, नेविगेशन में भी आप इसको टर्न कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे एक बार है, इस पर बहुत सारे बटन हैं। सबसे पहला बटन आप प्रेस करेंगे तो कैमरा का आ जाएगा, डिफरेंट व्यूज़ हैं जिसमें, और इसमें आप डिफरेंट व्यूज़ चेंज कर सकते हैं गाड़ी के और 3D में अपनी गाड़ी ऐसे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। लेकिन एक ड्रॉबैक है इसमें, ये है ग्रे कलर की गाड़ी इसमें और यहाँ पे मैं वाइट कलर की गाड़ी रिव्यू कर रहा हूँ, तो ये मर्सिडीज़ को समझना, ये मैंने पिछली गाड़ी में भी ये बताया था। उसके बाद यहाँ पे एक बटन है जिससे आप अपना रूफ़ खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और इस बटन को प्रेस भी करके रखें तो अगर रूफ़ आपका खुला है तो बंद हो जाएगा, बंद है तो खुल जाएगा। लेकिन आप प्रेस करें, यहाँ पर ये होल्ड करके रखना पड़ता है, स्लाइड करके इसको होल्ड करके रखेंगे तो ये खुलेगा, वरना जहाँ पे आप छोड़ेंगे वहाँ पे रुक जाएगा। ये एक ड्रॉबैक कह सकते हैं आप इसका। तो ऐसे आप होल्ड करके रखें, आपका रूफ़ टोटली खुल जाएगा पीछे। उसके साथ आपके पास जो है एक गाड़ी बनी है, उस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट हेड्स अप डिस्प्ले, व्हीकल रेज लेवल और ये इस तरह की सेटिंग्स आ जाएंगी। फिर आपके पास है हैज़र्ड लाइट के बटन, फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी आपके पास, पावर ऑफ ऑन कर सकते हैं इससे। एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन, यहाँ पे एक बटन है, उस पर स्क्रीन टिल्ट करने का वर्टिकली आपके पास ऑप्शन है। प्रेस करेंगे कि जैसे छत खोलते हैं तो रिफ्लेक्शन पड़ती है, उससे आप अपनी स्क्रीन जो है वो ऐसे करके आप जिस एंगल पे आपको कन्वीनियंट है उस एंगल पे रख सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसमें स्क्रीन देखें ऐसे वर्टिकली टिल्ट हो रही है। उसके बाद वॉल्यूम आप नीचे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कप होल्डर्स हैं, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, ये हैंड रेस्ट है, इधर रख के हाथ या आर्म आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह। एक कंपार्टमेंट है इसमें USB-C और कुछ छोटी सी जगह है आपके पास। यहाँ पर पीछे मेरे सर के गर्दन के पास एक वेंट है जो कि हेडरेस्ट से, जिससे हवा आती है। यहाँ पे डोर पे उसका बटन है, प्रेस करेंगे तो अगर
ठंडे इलाके में आप गाड़ी चला रहे रूफ़ खोल के, तो यहाँ से गर्म हवा आपकी गर्दन पे हीट करेगी, आपको बीमार होने से बचाएगी। तो यहाँ पे आपके पास दो सीट्स भी हैं पीछे जिनमें बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते आप ड्राइव करते हुए। छोटा मोटा कुछ सामान आप रख सकते हैं या कोई बच्चा है छोटा तो वो बैठ सकता है। अच्छी चीज़ यह है कि लेदर का पैच है, इसको आप ऐसे पुल करके सीट आगे करेंगे तो ये स्लाइड होगी ऑटोमेटिकली आगे, आपको पुश करने की पुल करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे बैठ के चेक करते हैं, यहाँ मैं पीछे वाली सीट पे आ गया हूँ। अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं बैठा क्योंकि मेरी कमर बिल्कुल ऐसे है और कंफर्टेबल नहीं, लेकिन जैसे ही आप इसको पुश करें पुल करेंगे पीछे तो सीट स्लाइड होना शुरू हो जाएगी और ये टांगों पे जब ज़ोर लगाती है तो ऑटोमेटिकली वापस आगे हो जाती है क्योंकि पीछे आने की जगह नहीं होती इस पर। तो बैड बैक सीट्स। तो आगे SL63 के इंटीरियर में और इसको ट्राई करते हैं क्योंकि 585 हॉर्स पावर 0 से 100 पर यह गाड़ी जाती है 3.6 सेकंड्स में। सारी सेटिंग्स मैंने स्पोर्ट्स प्लस मोड पे कर दी हैं, एग्जॉस्ट भी। अभी देखते हैं कितनी फास्ट है ये। 1 2 3 अमेजिंग। तो जब आप गाड़ी को उठाते हैं एकदम पहले 1-2 सेकंड आपको ऐसा लगता है कि 1 सेकंड एक्चुअली आपको ऐसा लगता है कि ये इतनी फास्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा फास्ट पावरफुल गाड़ी है ये। 1.5 सेकंड के बाद एकदम गाड़ी पिक लेती है और क्या बात है। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप ड्राइविंग करते हुए भी इसका रूफ़ खोल सकते हैं। जैसे कि मैं अभी बटन दबा रहा हूँ तो इसका रूफ़ आप बटन दबा के भी खोल सकते हैं, और स्क्रीन से जैसे कि अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो ऐसे इसका रूफ़ खोल जाएगा और आप रूफ़ खोल के भी इंजॉय कर सकते हैं ड्राइव SL63 AMG की फॉर्मेटिक फोर व्हील ड्राइव। तो अभी जो SL63 आई है सारी की सारी वो ऑल व्हील ड्राइव होंगी और इसीलिए इसमें इतनी ज़्यादा पावर है। इवन कि SL55 जो इससे जो बेस वर्जन है इसका वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इवन कि जब आप रूफ़ खोल के चला रहे हैं तो आपको इतनी ज़्यादा हवा आपके सर पे नहीं लग रही है ना आपके मुंह पे लग रही है, काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त। और मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसको रोकूं क्योंकि इसके एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो बार बार बंदे को जो है पंप करता है कि वो उसको जो है ज़्यादा रेस दे। तो क्या बात है SL63 की। जो पुराना वाला वर्जन था वो जेन्युइनली मुझे भी नहीं पसंद था, उसकी शेप थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती थी मुझे, लेकिन ये वाली बहुत ज़बरदस्त है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के इंजन से हालांकि 600 प्लस हॉर्स पावर थी उसमें, लेकिन मुझे ये वाली शेप ज़्यादा बेटर लगती है, ज़्यादा फिर्म है, ज़्यादा स्टाइलिश है और थोड़ी सी बड़ी भी है उससे। और इसके लाइट्स जो कि असल में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है चला के, तो मैं रोकना नहीं चाह रहा इसको, इसलिए मैं बार बार जो ट्राई कर रहा हूँ इसको। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, सारे ऑप्शंस के साथ हेड्स अप डिस्प्ले भी है आपके पास और अमेजिंग ड्राइव। तो ये थी मर्सिडीज़ AMG SL63। उम्मीद करता हूँ वीडियो को बहुत पसंद आई होगी, गलती से भी मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी हो उसके लिए माजरत। अगर आप इंग्लिश वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो है कार किड। अगर आपके पास ऐसी कोई यूनिक गाड़ी आप चाहते हैं मैं रिव्यू करूँ तो इस ईमेल आईडी पे मुझे आप मेल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें मेरे इस चैनल का भी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।